यीशु मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि कुछ बातचीत की जाए। और हम जिस देश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियंस के लिए या हम कहेंगे मसीहों के लिए रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि सुनने में आया है कि दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में अंधेरिया मोड़ पर एक चर्च को बिना लीगल नोटिस दिए तोड़ दिया गया। ये कहां तक उचित है? ये कहां तक उचित है? क्या अब इस देश में ईसाइयों को रहने का कोई हक नहीं है? क्या अब इस देश में क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है? ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए कोई जगह नहीं है? जबकि क्रिश्चियंस लोग अपना 100% इस देश को देते हैं। हम चाहे मेडिकल क्षेत्र में देख लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें, हर जगह क्रिश्चियंस लोग खड़े रहते हैं। ये सेवा भाव हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। ज्यादातर हॉस्पिटल में क्रिश्चियंस नर्सेज होती है जो सेवा में लगी रहती है दिन रात। और हम ऐसे भी नहीं है कि हम मसीही लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हम ऐसे भी नहीं है कि हम किसी से लड़े जाते। हम ना हिंदुओं से लड़ते, ना मुस्लिम से लड़ते, ना सिख से लड़ते। हम किसी से नहीं लड़ते। हम सिर्फ प्रभु से अपनी लड़का कर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हर क्षेत्र में, मैंने भी बताया, हम हर क्षेत्र में इस देश के लिए खड़े हैं। चाहे कोई बीमार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हम उसके लिए बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, उसको चंगाई देता है, उसकी बेरोजगारी दूर करता है, बांझपन दूर करता है। और बहुत सारी समस्याएं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं वो परमेश्वर दूर करता है हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर। हालेलुया। तो फिर ऐसी क्या गलती हमसे हो गई कि इस देश में हमारे रहने पर दिक्कतें आ रही हैं? पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे चर्च तोड़े गए हैं, लेकिन ये जो कल या परसों की घटना है, जो दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में अंधेरिया मोड़ पर एक चर्च को तोड़ा गया बिना लीगल नोटिस दिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखाते हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ इसे शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हम सब मिलकर इस विषय पर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक वीडियो भी आपके साथ आपको इसमें शेयर करूँगा। जो चर्च है, उसके पास्टर हैं वो, शायद उन्होंने इंग्लिश में कुछ बताया है, आप जरूर सुनिएगा और फिर हम सब लोग उनसे प्रार्थना करेंगे। कुछ तस्वीरें मैं रखूंगा, कुछ वीडियोज मैं रखूंगा, वो आप जरूर देखिए कि हुआ क्या है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वचन में लिखा है कि इसकी जो तुम्हें छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम मसीही लोग, हम सिर्फ आपस में ही लड़ भिड़ लेते हैं, हम आपस में खटपट कर लेते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते। हमारे आसपास का माहौल, हमारे पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा रहता है। हमारे पड़ोस में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सब हमसे बहुत अच्छी तरह से मेल मिलाप के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे धर्मस्थल को तोड़ देना, बाइबल्स को जला देना, पास्टर्स का मर्डर कर देना, उनकी पिटाई करना रोड पर, ये कहाँ तक है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि हम सब इसके लिए क्या करें। मेरे विचार से हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर इस समस्या का हल निकाल सके। हमें इस समय अपने सारे मतभेद भुला देने चाहिए। हम कौन से भी डिनोमिनेशन से, हम किसी भी चर्च में जाते हैं, हमारे पास्टर कोई से भी हों, लेकिन इस विषय पर हमको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमें मिलकर इस
उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हम आकर रोड पर खड़े हो जाएं, हम अपने ही घर पर उठने के बल बैठकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए देखिए, ये कुछ छोटी छोटी वीडियोज हैं और फोटो हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उधर से वीडियो बना लो, उधर से बन जाएगा। ഞങ്ങളുടെ പണ്ടതാണ്, അതാണ് ഞങ്ങളെ ആരെയും അങ്ങോട്ട് കയറ്റാതെ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം പോലും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ देखा किस प्रकार से तीन जो है वो बुलडोजर वहाँ पर आए हैं और चर्च को तोड़ने वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस प्रकार से हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर काम 17:24-25-27 सब में हम पढ़ सकते हैं कि जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पद में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। हालेलुया। लेकिन ये चर्च क्यों बनाए जाते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये चर्च क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे घर, हमारे वो स्थान जहाँ पर हम बैठ सकें छोटे होते हैं। दूसरी बात, वो बहुत बार पवित्र भी नहीं होते। इसीलिए ये चर्चेज बनाए जाते हैं अलग, ताकि सब जगह से लोग आकर वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और सबसे बड़ी बात परमेश्वर से संगति करने के लिए इकट्ठे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं, 2-2.5 घंटे हम वहाँ पर बैठते हैं। तो फिर इस देश में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, तो फिर ऐसा क्या मसीहों ने कर दिया, क्या कर दिया ईसाइयों ने कि इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस टॉपिक के ऊपर प्रार्थना करें। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, ये वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल।
It's with so much of sadness today I come to you. As we have witnessed the demolition of a church at Ladu Sarai, Andheri Amod, Delhi. There was some kind of an argument that this building did not have the required permission, and the court was looking into the case. When the court case is still on, how can the DDA come and demolish the church without even giving 48 hours of notice and scattered all the religious articles and the Holy of Holies, everything? 3 bulldozers, and they have come and demolished this little flower church at Ladu Sarai, Andheri Amod, Delhi. It's time that this country need to stand together against the religious intolerance, against discrimination, against the great way in which we need to defend our constitutional rights, our minority rights, and stand as one believing community fighting for the cause. Maybe we can debate the technical aspects and the lawful construction, but the way they demolished the church overnight, that need to be questioned, challenged, and need to be given such a kind of reaction from the entire Christian community of Delhi and the country at large. Let's pray for the people of this parish, the priest, and all those who are attached to this church one way or other, looking for consolation and comfort, looking for God's divine grace. And one fine morning, after 10 years of existence, suddenly 3 bulldozers, hundreds of policemen to support them, and Delhi Development Authority has demolished the church. So I am reporting this, standing in front of Sacred Heart Cathedral, the center of the Catholic Church in Delhi and in one way India. Let's pray for the people of the parish. Let's pray for the people in authority. Let's pray for even our persecutors, that one day they will realize that we, the Christians of this country, have made such an immense contribution towards the building of this nation, and we belong to this country as much as anyone who belongs to this country. We have contributed as much as or more than any other community for the development and building up of this nation called India. Let's fight for justice. Let's fight for peace. Let's fight for communal harmony. Let all the forces who is trying to take advantage out of this situation may be taken to the legal authority and get the required punishments. Let's not lose faith. Persecution is part of growth. Let this incident give us a time and a chance and opportunity to stand together as one believing community and stand together and proclaim that we will not be bowed down. We will not be completely listened to the ground, but we will rise one day, because even the master whom we follow could not be contained within an empty tomb for 3 days. We will rise together. We will definitely move together. Let this serve as an opportunity for our unity, our togetherness, and our deep faith in the Master. Thank you, and have a wonderful day, and continue to pray for this little flower church, the parishioners, the priests, and the entire diocese of Faridabad. Thank you. Have a nice day. May God bless all of you. Hallelujah. So, आपने देखा कि किस प्रकार से छतरपुर के अंधेरी मोड़ पर जेंट्स को तोड़ा गया है। आइए पास्टर जी के साथ हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरी अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हालेलुया प्रभु, जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद देते हैं प्रभु,
कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम जानते हैं प्रभु कि तू हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता प्रभु, और हमारी देह तेरा मंदिर है प्रभु। लेकिन प्रभु जी हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है प्रभु, जहाँ पर तू हमारे बीच में उपस्थित हो सके, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है मत्ती 18 और उसके 20 पद में कि मेरे नाम पर दो या तीन जन जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो वो जगह, वो पवित्र जगह, वो हमारे चर्च हैं प्रभु, जहाँ पर हम सब मिलके प्रभु जी तुझसे संगति करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन के ऊपर मनन करते हैं प्रभु, और आपस में हम संगति करके प्रभु जी तेरे विषय में बात करते हैं। परमपिता परमेश्वर, इस देश की सरकार को मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, उन्हें सद्बुद्धि दे मेरे प्रभु जी, ताकि इस प्रकार से ना करें प्रभु, क्योंकि हम लोग प्रेम के अनुसार चलते हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, बाइबल हमें क्षमा करना सिखाती है, बाइबल हमें मेल मिलाप सिखाती है प्रभु। उसी प्रकार से हम सब करते हैं प्रभु, हम आपस में चाहे कितना भी लड़ लें लेकिन हम किसी और से कभी नहीं लड़ते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस सरकार से तू बातचीत कर मेरे प्रभु जी, ताकि उनका हृदय बदले प्रभु, और प्रभु जी वो मसीही लोगों के साथ एक वार्तालाप करें, बातचीत करें प्रभु जी, और ऐसी घटनाएं आने वाले दिनों में बिल्कुल भी ना। परमपिता परमेश्वर तू तो सब कुछ कर सकता है। अय्यूब 42:2 में लिखा है प्रभु कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। तो प्रभु जी आज हम सबकी, जितने भी लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना में हैं, हम सब की प्रार्थना को सुन, और प्रभु जी इस देश को बचाने में हमारी मदद सहायता कर, इस देश में हमारे चर्च बने रहे प्रभु जी, मसीहत तक सही सलामत रहे प्रभु, और तेरा नाम प्रभु जी कोने कोने तक रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब तक कि आप इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सब लोग इस प्रार्थना में शामिल हों, और इस देश में आने वाले दिनों में कोई भी चर्च ना तोड़ा जाए। हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे समझ लो वो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ। हालेलुया।